विधवा लोग आएगी पिछले मना तो मैं विधवा क्यों कौन मना नहीं पूछता हूँ खबर सोमी मना या भी मतलब सोचता हाँ किरण कई अब स्कूल में आई थी मैं मैडम मतलब विधवा लोग आएगी पिछले मना विधवा आदमी क्यों कौन मना नहीं मतलब ताऊ रण तो मैं भी तेवर चीज हूँ आएंगे उन्होंने दवा बता दिया अगर ये अच्छी बात है। देखो जी अगर राजीव जी को टिकट मिलती है ना तो हम उसके साथ हैं। खत्म कर दिया बंसीलाल भजनलाल बंसीलाल परिवार तो खत्म परिवार खत्म इबे तो होयो कोनी हैरो होया कोनी क्षत्रिय पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई कोनी होयो कोनी है दूसरा कर रहे हैं मरा यार दूसरा कर रहे हैं दूसरा कर रहे हैं बीजेपी को मानता हूँ बीजेपी बढ़िया है राजीव मतानी जी की सभा में कुछ लोग पूछे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार अपना शुभ नाम सर जी ईश्वर सिंह बीओ कहाँ है सौरान। तो सर जी जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोहारू हल्के की बात करें विधानसभा चुनाव सिर के ऊपर है और राजीव मतानी जी ने भी अपनी दावेदारी जता दी है और एक बड़ी घोषणा कर दी है कि हम 100% जो है वो टिकट लेकर के आएंगे क्या कहना है। देखिए जो कांग्रेस का सिस्टम है जहां तक मैंने पता किया मैं भी ऊपर तक पहचान है मेरी भी तो उनका जो है वो एक सामान्य आदमी को देने की तो ये सामान्य में आता है ये तो सामान्य में आता है सर लेकिन देखा जा रहा है कि लिस्ट लंबी है लोहारू हल्के के लिए कांग्रेसियों की पता है मेरे को उनके नामों का भी पता है जी। लेकिन आज के दिन अगर मैडम की चली मैं आपको सही बताता हूँ तो टिकट इसकी और इसकी चले भी क्योंकि किसी और का नाम लेऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उनको मिलती है 3 बार हार लिया कौन मिला दूसरा ने मिला तो ये मंत्री जीतेगा नाम नाम नहीं ले रहा मैं लेकिन हकीकत है ना वो इसके साथ हकीकत इस राजीव के साथ है। आपको लगता है अगर राजीव जी को अगर टिकट मिल भी जाती है तो इनके नेतृत्व में लोहारू हल्का विकास की ऊंचाई होएगा। सही कह रहे हो आप इसमें दो राय नहीं है हमारे में से आप भी हमारे में से ही हो सामान्य आदमी में ये सामान्य में से है जो ऊपर न लीजिएगा तो आप इसके उल्टी बिगाड़ देंगे पक्की बात से है। मैं बोलिया भी हूँ मारा ही बालक से कड़ा जाओगा ये हमारे बीच में रहेगा इन तो अब आप बात कर सके गिनते जो MLA बनने मंत्री बनने बात कर सकते हैं नहीं साधारण बात भी नहीं कर सकते तो इससे तो कम बात तो जरूरी हो जाएगी हर आदमी बात कर लेगा। यह भी कहावत है राजनीति का नशा इसी चीज हो के भी राजनीति का नशा करके अपना भी लोगों कॉन्फिडेंस है पूरा कॉन्फिडेंस। चलो भाई यहाँ पर जो लोग मौजूद है बातचीत कर लेते काफी संख्या में लोग हैं। अंकल जी और क्या नाम है जी अपना बलवीर सिंह है जी कहाँ से हो गोपालवास से गोपालवास से। लगता है आपको भाई जिस प्रकार से लोहारू हल्के के अंदर जो विधानसभा का चुनाव है वो भी अभी सिर के ऊपर है और लोहारू हल्के से जो राजीव मतानी जी है उन्होंने अपनी दावेदारी जता दी है कि हम टिकट लेकर के आएंगे क्या आपको लगता है इनको टिकट मिल पाएगी और लोहारू हल्का विकास होएगा इनके नेतृत्व में। नहीं टिकट की बात है तो टिकट क्यों नहीं मिलती ये काफी दिन से पार्टी के साथ है संघर्ष में है और हर साइड से इसने जैसे किसान आंदोलन हो और कोई हो उसमें भी इसका पूरा योगदान रहा है और एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक सामाजिक सिंपल परिवार से बहुत बढ़िया व्यक्ति है तो इसको टिकट मिलनी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हो कि काफी संख्या यहाँ पर लोग आए हैं और इनका एक ही कहना है कि काफी समय से जो राजीव मतानी जी है वो हल्के में सक्रिय रहे हैं तो कुछ साथी और यहाँ पर बातचीत कर लेने। नमस्कार जी क्या नाम है बलवीर कहाँ से हो आप मतानी से तो राजीव मतानी जी है इन्होंने अपनी दावेदारी बता दी है कि हम लोहारू हल्के से टिकट लेकर के आएंगे कांग्रेस की आपको लगता है कि इन्हें टिकट मिल पाएगी। बिल्कुल मिलेगी दस गांव कौन बैठे ना कहो वैसे भी जी कांग्रेस पार्टी के तो बहुत सारे लोग दावा बता रहे कि हम टिकट लेके आएंगे लोग पैसा भारी पड़ेंगे इधर पैसे की टिकट नहीं है तो आपको लगता है अगर राजीव मतानी जी अगर कौन सी टिकट मिल जाती है MLA बन जाते हैं तो क्या विकास
विकास करेगा नहीं करेगा तो पकड़ लेंगे, नजदीक का है उनको खड़े पकड़ देंगे, वो जाए खड़े बैठते हैं ये तो हमारे दांत के अंदर बैठेगा। तो भाई फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ के जो काफी संख्या में जो लोग मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि राजीव मतानी जी को अगर टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी जाता है, क्योंकि सामान्य वर्ग से आते हैं राजीव मतानी जो सामान्य वर्ग से आते हैं और इनको टिकट की जो दावेदारी जता रहे हैं इनके कार्यकर्ता है जो उनमें एक उत्साह और जोश है। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसिंह प्रजापत और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करा कर फिलहाल भाई बैल ने पहुंचे थे क्योंकि कांग्रेस की यहां पर मीटिंग थी, राजीव मतानी जी है वो उन्होंने एक मीटिंग रखी है, तो कुछ कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है, कुछ लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। आप श्री में ये विवाद करते हुए नजर आए थे, लेकिन जाना भी किस बात को लेकर विवाद है, कई लोग जो है वो मैडम किरण चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई जेपी दलाल जी वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सार सार साहब, किस बात को लेकर बहस हो रही थी? बहस नहीं हो रही, दलाल मन जो मको विधवा लोग आएगी पिछले मना तो मको विधवा क्यों कौन मना नहीं पूछता हूँ खबर सोमी ने मना नहीं बोलो नहीं बोलो यार मतलब सोचता हाँ किरण ने कही अगर स्कूल में आई थी मैं बोले मैडम मतलब विधवा लोग आएगी पिछले मना विधवा आदमी क्यों कौन मना नहीं बोले ताऊ रन जब मैं भी तेवर चीज हूँ मैडम बोले क्या अपने हाँ चलो ठीक है भाई। भाई साहब क्या नाम है अपना? मेरा नाम विक्रम है जी। विक्रम भाई कहाँ से हो? मैं बीदवान गांव से हूँ जी। बीदवान गांव से, तो आज यहाँ जो राजीव मतानी जी के साथ इसमें आए हो? हाँ जी, राजीव मतानी की सपोर्ट में आए हमें और आगे भी साथ देंगे। तो अभी कुछ बहसबाजी हो रही थी आपकी, आपसे किस बात? वो बहसबाजी इसलिए हो रही थी कि भाई एक यहाँ पे था तोसा हल्के का आदमी, वो बोला कि किरण चौधरी ने क्या किया इस हल्के में, भाई ये हल्का नहीं चौधरी बंशीलाल का हल्का है, लोहारो हल्का जो चौधरी बंशीलाल लगा है, क्योंकि यहाँ से जो भी यहाँ पे जो भी काम हुए चौधरी बंशीलाल ने करवाया, नहर में पानी आया शुरुआत में नहर लेके आया बंशीलाल लेके आया, सड़क बनवाई बंशीलाल ने बनवाई, तो हमारे लिए जो भी किया ना चौधरी बंशीलाल ने किया है, वो बोले कि मैडम ने क्या कर दिया, तो वो मैडम ने अगर कुछ नहीं किया तो वो इतने साल वहां पे तो सब राजनीति करी है तो वो ऐसे ही करिए क्या भाई, कुछ उसमें कुछ 4-12 मेले बने वो तो उसमें कुछ ना कुछ खासियत थी इसीलिए लोगों ने बनाया है, ऐसे तो किसी को कोई नहीं बनाता। आपको लगता है जैसे मैडम है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी में वो मान सम्मान मिल पाओगा जो कांग्रेस ने मिला? जरूर मिलेगा जी, ऐसी कोई बात नहीं, देखो आदमी की है ना छवि अच्छी होनी चाहिए और जो चौधरी बंशीलाल परिवार है ना इसकी छवि बहुत अच्छी है, तो चलो भाई वो उनकी सोच थी कि वो पार्टी छोड़ के गई है कांग्रेस छोड़ के गई है, लेकिन जो मान सम्मान कांग्रेस में था ना लगता है ऐसा ही उनको बीजेपी में भी जरूर मिलेगा। तो राजीव मतानी जी के कहना चाहोगे अगर आएंगे उन्होंने दावा जता दिया? अगर ये अच्छी बात है, देखो जी अगर राजीव जी को टिकट मिलती है ना तो हम उसके साथ है और ऐसी बात नहीं।